ये कुछ ऐसा नज़ारा है मेरी होटल की विंडो से बाहर का, आप देख रहे हैं। ये पूरा है थल से है, जो अभी शायद कोहरे की चपेट में है। मॉर्निंग में यहाँ पर कोहरा लग जाता है और नीचे, बिल्कुल नीचे बह रही है रामगंगा, और इस नदी की आवाज़ की वजह से और सामने जो चिड़ियाँ चहचहा रही हैं उसकी वजह से अभी मेरी नींद खुली। तो मैं क्या देखा, बाहर का मौसम जा हाल जान लूँ, और देखा कि बहुत विकट कोहरा था लगा हुआ। तो दोबारा ऐसा है कि सोने में ही भलाई ज़्यादा अच्छा है। सब कुछ देर लेट में ब्लॉग स्टार्ट करूँगा। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो मैं आया था हल्द्वानी से करीब 250 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके थल। मैंने हल्द्वानी से लेकर थल तक का ब्लॉग नहीं बनाया। अगर आपको देखना होगा कि यहाँ कैसे आना है तो आप मेरे पुराने ब्लॉग देख लीजिएगा, जिसमें मैं हल्द्वानी से बेरीनाग आया हूँ, फिर नेक्स्ट दिन बेरीनाग से गया हूँ मुनस्यारी। तो अभी आज का जो प्लान है, यहाँ पर मैं थल में हूँ। थल से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस में एक पाकू विलेज है, वहाँ पे एक फेमस टेम्पल है, तो मैं वहाँ जाऊँगा। रास्ते का वीडियो मैं बनाऊँगा नहीं, क्योंकि ब्लॉग थोड़ा बड़ा बन जाता है। और जो टेम्पल की डिस्टेंस है वह थल से है 15 किलोमीटर, और आप बेरीनाग से भी उसे 35 किलोमीटर है। कोटबनिया के रास्ते भी आप उस टेम्पल जा सकते हो, लेकिन मैं पहले थल आया, क्योंकि पिछले बार जब मैं गया था तो वो रास्ता बहुत टूटा हुआ था, तो इसलिए मैं पहले थल आ गया था। थल से मैं मॉर्निंग में मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, अभी सुबह के 8 बज रखे हैं। तो चलते हैं मंदिर की ओर और देखते हैं कैसा है मंदिर का नज़ारा। तो सामने है ये पूरा पाकू गांव, और शायद उस साइड जो सामने वो दिखाई दे रहा है गांव पूरा, जहां बहुत सारे मकान है, उस साइड वो मंदिर है। और मेरे को यहां से पूरा ऐसे जहां पर टावर दिखाई दे रहा है, ऐसे क्रॉस करके उस रोड के रोड से चलते हुए उधर पहुँचना है। और ये जो पूरा गांव है, इसमें कारकी और पाठक लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे मतलब मैं दुकान में बोर्ड वगैरह पढ़ रहा हूँ, तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि पाठक और कारकी लोग कुछ ज़्यादा रहते हैं। तो ये मंदिर परिसर के बाहर से कुछ शॉप हैं प्रसाद की, आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं आराम से। और जो ऊपर स्टेयर जा रही हैं, ये जाएंगी टेम्पल की ओर। को यहाँ से मैं प्रसाद लेता हूँ, फिर चलते हैं टेम्पल की ओर। तो करीब थल से 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके मैं पहुंचा हूं पाकू गांव में स्थित कोट गाड़ी के मंदिर के टेम्पल पे, जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। यहां पे ये मंदिर का मुख्य द्वार है, ऊपर को ऊपर मंदिर परिसर है पूरा। नीचे आके आप यहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्नानागार बना हुआ है मंदिर के बिल्कुल नीचे। बहुत सारे लोग वहाँ पे नहा रहे हैं, उसके बाद मंदिर आ रहे हैं। मैं नहा के आया हूँ होटल से ही, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जय मंदिर का गेट अंदर, जय श्री कोटगाई देवताए नमो नमो, श्री श्री 1008 जगदम्बा मंदिर की सुरक्षा दीवार प्रवेश द्वार निर्माली कुंड का नव निर्माण 2012 में किया गया। तो यह है पूरा मंदिर कोटगाड़ी माता का। तो ये मंदिर के बाहर का परिसर है, अंदर के गर्भगृह की मैंने लिया नहीं, उसके लिए आपको खुद ही आना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। बाहर यहाँ पे कामधेनु माता जी की मूर्ति रखी हुई है, और यहाँ पर सब लोग बैठ के गोदान करते हैं। यहाँ पर धूप जली हुई है और चारों ओर मंदिर का परिसर कुछ ऐसा है। मंदिर परिसर काफी बड़ा है, ऊपर भी आप देख सकते हैं। तो ये था कोटगाड़ी कोकिला माता देवी का मंदिर, जो अपने न्याय के लिए फेमस है। जिसको कहीं भी न्याय नहीं मिलता है, वो लोग अपने स्टैम्प पेपर में यहाँ न्याय की गुहार लगाने के लिए आते हैं और अपने एप्लीकेशन दे के जाते हैं इस मंदिर में, तो उनको माता जी न्याय दिलाती है। और ये मंदिर में अपनी एक अलौकिक शक्ति है, मंदिर जो है आपकी मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करता है।
जैसे मेरे साथ हुआ है, मैं यहाँ दूसरी बार आज आया हूँ, वो भी 2 महीने के अंदर में। माता जी मेरे, मैंने कुछ उनसे मांगा हुआ था और माता जी ने मेरे को दिया। तो आप भी आना और मंदिर के दर्शन जरूर करना। स्थल से 15 किलोमीटर डिस्टेंस है और हल्द्वानी से करीब 250 किलोमीटर डिस्टेंस में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में बेरीनाग और थल के बीच में स्थित ये मंदिर पाकू गांव में। यहाँ एक हमारे फेमस सिंगर थे यहाँ के, इसी गांव के, पाकू गांव के, पप्पू कार्की। उन्होंने इसी मंदिर के ऊपर एक भजन भी गाया था, देवी भगवती मैया, जिसे मैं बार बार सुनता हूँ। आप भी वो गाना सुन सकते हो। और हमारी जो उत्तराखंड है वो पूरा देवभूमि है और यहाँ पे इस देवभूमि में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। कैसा लगा आपको आज का ये मेरा वीडियो, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। अब मैं ऐसे जाऊँगा थल, फिर उसके बाद देखते हैं थल जाके मेरा क्या प्लान बनता है, कहाँ जाता हूँ उससे।